पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार दिल्ली। ओम अरहम नमः अरहम 40 के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। आज हम अरहम श्री की आवाज में पांच मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे और उसके पश्चात नमो काय महामंत्र के पदों का ध्यान अपने शरीर के विभिन्न केंद्रों पर करेंगे। सबसे पहले पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में अब दूसरी मुद्रा है सिद्ध मुद्रा। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालेंगे, हल्का सा अंजलि नुमा बना करके अपनी हथेलियों पर शुद्ध सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा विद्यमान है ऐसा महसूस करेंगे और वह ऊर्जा हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय तक पहुंच रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। इसी मंत्र के साथ आंख बंद करके ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ पुनः तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को बनाकर हथेलियों को अपने कंधे के पास तक ले जाकर कंधे पीछे की ओर खींचते हुए सीना बाहर की ओर निकालते हुए हथेलियां ऊपर, बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई, और महसूस करेंगे आचार्य परमिष्ठि का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी मंत्र के साथ ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पुनः चौथी मुद्रा, दोनों हाथ बाहर की ओर निकालकर पंजे
और कलाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल, पांचों उंगलियां मिली हुई, दोनों अंगूठों के बीच में थोड़ा सा 4 अंगुल का डिफरेंस। अपनी दृष्टि को अंगूठों पर टिकाएं, हाथ को बाहर की ओर पुश करें और पूरे मन के साथ इसी मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा में पांचवी मुद्रा साधु मुद्रा, अपने दोनों हाथ जोड़ करके जमीन से लगाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को मोड़ें, सिर को यथाशक्ति जमीन से लगाने का अभ्यास करें। इसी मंत्र का भीतर ही भीतर नाद करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा के साथ अपने घुटनों पर रखें। आंख बंद करके अपने चेहरे पर पूरा ध्यान, मुख मुद्रा भगवान की तरह बिल्कुल सौम्य, श्वास पर ध्यान, अपनी रीढ़ के सबसे निचले वाले हिस्से पर ध्यान दें। जहां हम बैठे हैं उस स्थान पर ऋण अक्षर को अपने मन से लिखें, उसके ठीक 4 अंगुलों पर एक दूसरा केंद्र होता है, उस पर मो अक्षर को लिखें। उसके बाद नाभि स्थान, नाभि केंद्र, उस पर अ अक्षर का स्मरण करें। उसके ऊपर हृदय स्थान, जिसे हम आनंद केंद्र कहते हैं, उस पर री अक्षर का स्मरण करें। अपना मन, अपना ध्यान कंठ स्थान पर लाएं। यह विशुद्धि केंद्र है, यहाँ पर हम अक्षर का स्मरण करें, ह और उसके ऊपर बिंदु। ध्यान और ऊपर की ओर ले जाएं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ज्ञान केंद्र होता है, यहाँ पर ता अक्षर का स्मरण करें और सिर के सबसे ऊपरी भाग पर, जिसे सिद्धि केंद्र कहते हैं, यहाँ पर ऋणम अक्षर का स्मरण करें, ऋण और उसके ऊपर बिंदी। ऋण से ऋणम तक की यह यात्रा ऋणमो अरिहं ताड़म के इन एक एक अक्षरों के साथ करना है। एक एक अक्षर मंत्र हैं, प्रत्येक अक्षर की अपनी अपनी शक्ति है। जब हमारे शरीर के सातों ही स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और हम चेतना की ओर उन्मुख होंगे। इन सातों ही अक्षरों की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवाहमान करने के लिए
इन अक्षरों की ध्वनि को पूरे मन से करेंगे। एक एक अक्षर जो हमने जहां स्थापित किया है वहीं पर ध्यान देते हुए उस अक्षर का उच्चारण करेंगे। नाभि के नीचे दो ही अक्षर हैं, ण मो, नाभि पर अ, हृदय पर री, कंठ पर हम, दोनों भ्रगुटियों के बीच में ता और अंत में ऋणम। ऋण मो अ रि हं ताडम। ऋण मो अ रि हं ताडम। ऋण बोलते हुए अपने नीचे के मूल आधार स्थान को ऊपर की ओर खींचेंगे और प्रत्येक अक्षर पर ध्यान देते हुए उस केंद्र पर आघात पहुंचाते हुए अपनी ध्वनि करेंगे। ऋण मो अ रि हं ताडम। प्रत्येक अक्षर स्पष्ट दिखना चाहिए। मन की आंखों से सफेद रंग के इन अक्षरों को अपने शरीर के प्रत्येक केंद्र पर स्थापित किया हुआ महसूस करें। जब हम ऋणम बोलते हैं तो ऋणम की ऊर्जा, ऋणम की तरंगें हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवाहित हों। ऋण मो अ रि हं ताडम। ऋण मो अ रि हं ताडम। ठीक इसी तरह दूसरे पद का उच्चारण करेंगे। ण और मो का स्थान वही रहेगा। सिद्धाडम के सी का अक्षर नाभि पर, धा कंठ पर और ऋणम सिर के ऊपरी भाग पर, सिद्धि केंद्र पर। ण मो सिद्धाडम। ण मो सिद्धाडम। ण मो सिद्धाडम। इसी तरह ण मो आयरियाडम का उच्चारण करेंगे। ण और मो का स्थान वही रहेगा। आ नाभि स्थान पर, ई हृदय स्थान पर, री कंठ स्थान पर या ज्ञान केंद्र दोनों भ्रगुटियों के बीच और ऋणम अंतिम सिद्धि केंद्र। ऋण मो आई री या ऋणम। ण मो आई रि याडम। ण मो आई रि याडम। ण मो उवच्छायाडम में भी सात ही अक्षर हैं और इसी क्रम से इन अक्षरों को संयोजित करेंगे। ण और मो का स्थान वही है। उ नाभि केंद्र पर, व हृदय स्थान पर, झ कंठ स्थान पर या ज्ञान केंद्र पर और ऋणम सिद्धि केंद्र पर। ण मो
उवच्छायाणम् इडमो उवच्छायाणम् इडमो उवच्छायाणम् इडमो लोए सव साहुणम। इसमें दो अक्षर अधिक हैं, इड और मो का स्थान वही है, लो नाभि स्थान पर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर ए का स्मरण करें, हृदय स्थान पर स, कंठ स्थान पर आधा व और पूरा व, एक अक्षर दोनों ओठों पर सा, हु उसी ज्ञान केंद्र पर और णम उसी सिद्धि केंद्र पर। ऋण मो लो ए सव साहुणम्, ऋण मो लो ए सव साहुणम्, इडमो लो ए सव साहुणम्। अपने शरीर में जो भी संवेदन हो रहा है उसको महसूस करें, पूरे शरीर के अंदर नमोकार की ऊर्जा का एक अद्भुत प्रवाह चल रहा है, पूरे शरीर के अंदर फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें, ज्ञानमय चैतन्यमय आनंदमय आत्मा, उस चैतन्य आत्मा का भीतरी भीतर आभास करें। अपनी हथेलियां घिसकर अपने आंखों पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं और इस मंत्र का स्मरण करें, ओम अरहम परम शांति। तो ये था अहम से अरहम की यात्रा का दूसरा दिन। नमोकार महामंत्र अनंत शक्ति संपन्न महामंत्र है। इसका जब ध्यान हम अपने ऊर्जा केंद्रों पर करते हैं तो हमें असीम ऊर्जा का अनुभव होता है। यह हमारे सभी विकारों को कष्टों को दूर करने में सक्षम है। जैन योग शास्त्रों के अनुसार यह पिंडस धर्म ध्यान पर आधारित है। जैसा कि मैंने कल बताया था, अहम से अरहम की इस यात्रा को सरल बनाने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। एंड्रॉयड प्ले स्टोर और एप्पल आईट्यून्स पर अरहम ध्यान योग के नाम से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कल के सत्र में हम अपनी सांसों की शक्ति से अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे। जैन पद्धति में सांस हमारे 10 प्राणों का बहुत ही अहम प्रकार है। अरहम श्री कहते हैं कि अगर हम सांस को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने संपूर्ण जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो कल हम सीखेंगे कि अपने जीवन को कैसे ऊर्जावान और नियंत्रित किया जाता है, तो अवश्य जुड़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार दिल्ली। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है, हवा का घूम रहा है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी कभी उधर घूमनी चाहिए।
क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?